हाय गाइस, वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं आपके साथ पारुल और आप देख रहे हैं हमारे लॉकडाउन स्पेशल का एक लेटेस्ट एपिसोड, जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्टर संजीव गुप्ता से, द मैन हु इज प्रूविंग दैट एज इज जस्ट अ नंबर। ही हैज जस्ट स्टार्टेड ऑफ हिज यूट्यूब चैनल, जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करता है। तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉई हैं या कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के बारे में कुछ समझना चाहते हैं या स्टार्टअप के लिए कुछ चीजें समझना चाहते हैं, सो इनका चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं विदाउट फर्दर अडू। और टाइम और ज्यादा जाहिर करे बिना मैं आपको इनके पास ले चलती हूँ, जो कि प्रोफेशन से सीएस हैं और इन्होंने ये जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है वो इसीलिए स्टार्ट किया ताकि कोविड में ये कुछ इम्पोर्टेंट और अच्छी नॉलेज जो है वो लोगों के साथ इम्पार्ट कर सके। तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। तो हेलो सर, वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। थैंक यू सो मच आपने इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि हमने देखा आपके यूट्यूब चैनल को, तो किस तरह से माइंड में आइडिया आया कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं और कुछ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। कोविड 19 में हमारे पास टाइम बहुत मिला, क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग टाइम जो था वो बच गया, सो दैट आई यूटिलाइज्ड माय टाइम सो दैट आई कैन शेयर माय नॉलेज। माय स्पेशलाइजेशन इज ऑन द कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। तो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर मैंने डिसाइड किया कि मैं 11 वीडियोस बनाऊं जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फ्रॉड मैं अपने नॉलेज उसके ऊपर शेयर करूं। तो उसके अंदर जैसे कॉन्सेप्ट टाइप्स, कल्मिनेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द पॉलिसी इंप्लिकेशंस एंड व्हाट इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाइक दैट, आई हैव कवर्ड ऑल दीस थिंग्स इन माय 11 वीडियोस। जी, तो मतलब यूट्यूब शुरू करने का जो सबसे पहला तरीका था वो ही आपके माइंड आया क्योंकि कोविड में क्यों ना नॉलेज इम्पार्ट की जाने के काफी अच्छा विचार है सर ये। तो मेरा दूसरा सवाल है, जैसे आपने कहा कि क्योंकि कोविड में बाकी लोगों को मिला, तो साथ ही साथ हमने देखा कि बहुत सारी जगह से लोगों को निकाल दिया गया या बहुत जगह पे कट्स हुए हैं, तो वो सारी चीजें तो जैसे चल ही रही है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए टफ टाइम है ये कोरोना, तो ऐसे में फ्रॉड से कैसे या फिर किस तरह का फ्रॉड हो सकता है, इस बारे में जानना चाहेंगे। फ्रॉड्स जो है दो है, या तो फ्रॉड्स फॉर द कंपनी या फ्रॉड्स अगेंस्ट द कंपनी। अगर फ्रॉड फॉर द कंपनी है तो ये मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, और फ्रॉड्स अगेंस्ट द कंपनी है तो इट इज डन ईदर बाय एम्प्लॉइज और द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मींस वेंडर्स और द कस्टमर्स और लाइक दैट। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए बड़ा टफ टाइम है, क्यों? जो कि एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं घर से, तो वर्क फ्रॉम होम इज कल्चर इज देयर। तो concealment of information or concealment of documents as well as the utilization or misutilization of the company's information is one of the type of the modus operandi to commit a fraud. So employer ki sari data jo hai, sari information, confidential information employee ke paas uske ghar ke paas. Ab hame ye check kar sakte hain ki kya employees hamare liye kaam kar raha hai ya hamare competitor ke liye kaam kar raha hai, because there is no check on them. So hame एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉयज की मेल्स को, एम्प्लॉयज के मैसेजेस को और अपने जितने भी कन्वर्सेशन है उसके ऊपर एक कंट्रोल रखना चाहिए, एक टाइट चेक होना चाहिए। सेकंड, एम्प्लॉयज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि वो कहता है मैं रात को काम कर लूंगा, मैं दिन में काम कर लूंगा, उस एम्प्लॉयर को काम से मतलब। लेकिन हमारी जो विसल ब्लोइंग टीम है वो बिल्कुल एक्टिव रहनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉय को ये लगे कि मेरे ऊपर कोई निगाह रख रहा है। तो जिससे कि वो जो कि जिसका मैनिपुलेटेड माइंड है उसको एक मन में डर बैठ जाए कि अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो मैं पकड़ा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एम्प्लॉयज की तरफ से तो हमको ये करना है। रहा एम्प्लॉयर्स का, एम्प्लॉयर्स को क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉयर्स को इस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा एक इशू था, जो कि माल सप्लाई नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि फ्रॉड जो है या तो एक पर्सन अपने आप करता है या इन कोनाइवेंस विद अदर पर्सन। जब दो आदमियों का नेक्सस हो जाता है तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉई हमारा किसी सप्लायर की इंफॉर्मेशन से कंपनी को एक मेल डाल देता है कि हम आपको ये माल सप्लाई करेंगे लेकिन ड्यू टू कोविड हमारा जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज हो गई है और आप इस अकाउंट की जगह इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर, तो एम्प्लॉयर को क्या देखना है, सबसे पहले उसको चेक करना है क्या ये ओरिजिनल मेल है या ये फैब्रिकेटेड है, कहीं ऐसा ना हो कि हम एडवांस दे दें। जबकि कोविड के अंदर किसी आदमी ने भी क्रेडिट पे माल नहीं दिया, वो कहता है मेरे इस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे जमा करा दो, अगर आपने पैसे जमा करवा दिए तो मैं आपको माल की सप्लाई करूं। अब पैसे जमा हो गए लेकिन वो फेक मेल थी,
तो गुड्स मेरे पास आएगी नहीं तो मेरे को नुकसान काफी। तो मैं एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि एम्प्लॉयर किस तरह से एम्प्लॉयज के ऊपर इस समय नजर रख सकता है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के अंदर भी हमने देखा था कि पिछले कुछ भी दिनों में आक्रोश था, स्पेशली क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, कि हमें टाइम से पैसे नहीं दिए जा रहे, हमें एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ज्यादा देर तक काम कराया जा रहा है ये कहकर कि पैसे नहीं कटवा रहे हैं या पैसे काटे जा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो किस तरह से दिक्कत नहीं, वो दिक्कत क्या है कि एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, अगर मेरा ट्रस्टवर्थी एम्प्लॉय है और मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में उन्होंने ये कहा कि हम आपकी सैलरी कट कर रहे हैं, हम सैलरी आपको कम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी हमारे पास इनफ्लो नहीं है, हम आपको अभी कुछ पैसा दे देते हैं जिससे आपका भी गुजारा चल जाएगा और हमारा भी। लेटर ऑन जैसे जैसे फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी तो वी विल गिव द मनी इन टू योर अकाउंट। लेकिन कई एम्प्लॉयज को क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट करता है, एम्प्लॉय भी सोचता है कि ये मेरे लिए टाइम है जो कि इस टाइम पे नया एम्प्लॉय नहीं मिले, और मेरे को जो है वो एम्प्लॉय जो मेरा मैं रिटेन कर। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अभी देश में, क्योंकि अभी तो फिलहाल कोरोना की वजह से काफी खराब हो गए, पर देश में कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप की तरफ जो है वो होड़ लगी हुई है। अगर आप देखिए कि आजकल यंगस्टर्स हैं वो स्टार्टअप की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो इसी से मैंने सोचा कि आपसे पूछा जाए, स्पेशली जो लोग भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या जो लोग भी हैं तो चला रहे हैं, उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी कॉर्पोरेट लॉस के बारे में बात होती है या फिर कंपनी लॉस के बारे में बात होती है। क्या होता है स्टार्टअप जनरली यंग जनरेशन शुरू करती है, जनरली इट इज ए ट्रेंड की यंग जनरेशन जो आ रही है वो, और यंग जनरेशन थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती है चकाचौंध की तरफ, मतलब ग्लैमरस जी, तो उनको ये देखना चाहिए कि मेरा बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या रहे। तीन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मेरे को कौन से सेक्टर से कंपनी को शुरू करना है सो दैट की मेरे एक्सपेंसिस शुरू में कम हो और मैं इनकम ज्यादा अर्न कर सकूं, जो कि अगर मैंने शुरू में एक्सपेंसिस कर दिए और इनकम नहीं हुई तो मेरा माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा, यार बिजनेस में कुछ नहीं रखा तो मैं उस बिजनेस को क्लोज कर दूंगा, मेरा स्टार्टअप फेल होने के चांसेस है। तो मेरे को सबसे पहले डिसाइड करना है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सेकंड, मेरे को किस आइटम्स के अंदर या किस ट्रेड के अंदर स्टार्टअप शुरू करना है, मेरे को गवर्नमेंट की गाइडलाइन देखनी चाहिए, मेरे को आज की मार्केटिंग देखनी चाहिए कि किस चीज की डिमांड है, प्लस क्या कोई ऐसा इंप्लीकेशन गवर्नमेंट का तो नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हो जिसके अंदर हम ये अभी बिजनेस ना कर सकते हैं, प्लस मेरे कस्टमर्स किस टाइप के कस्टमर्स होंगे, मेरे को किस टाइप के कस्टमर्स को कहाँ पे किस सोर्सेस के द्वारा मेरे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो मेरे को सारी चीजें देख के सबसे पहले तो मेरे को डिसाइड करना है। उसके बाद उसको गाइडलाइंस मिनिस्ट्री, अगर उसको कंपनी बनानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है www.mca.gov.in where we can search the name, we can search the details, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल है कंपनी पे, अगर मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मेरे को पब्लिक लिमिटेड बनानी है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, या वो किसी कंसल्टेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, जो कि यहीं पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को खड़ा करना बड़ा ईजी है, उसको इनकॉर्पोरेट करना बड़ा ईजी है, लेकिन कंपनी को बाइंडिंग अप करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो वंस इट इज क्रिएटेड तो मेरे को ये भी देखना कि कितनी रेगुलेटरी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी मेरे बिजनेस के, मेरे को ऑर्गेनाइज वे में करना है, मेरे को अनऑर्गेनाइज वे में करना है, कंपनीज का बिजनेस जनरली ऑर्गेनाइज वे में होता है। अब मेरे को स्टार्टअप के अंदर मेरे को कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मेरी अपनी कैपिटल कितनी होगी, मेरे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी, मेरे को बाहर से कैपिटल कितनी लानी है, ये सारी चीजें हमको एक स्टार्टअप शुरू होने से पहले हमको ये देखनी चाहिए। तो आई थिंक आपने सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, जो लोग भी इस समय हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और जो लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं उसको, जैसा कि सर ने वेबसाइट का नाम बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता हो कि आप एक्चुअली किससे ग्राफ होते हैं। सर जाते जाते मैं एक दो सवाल आपसे और पूछूंगी और उसके बाद में सेशन रैप अप करूंगी। आपने बताया कि आपकी ये जो सीरीज है वो 11 एपिसोड की होगी, इसके बाद आप किस टॉपिक को टच करना चाहेंगे और अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या किस तरह का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो किस तरह से आपको, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है
वो मेरी कंपनी लॉ प्रोसीजर्स के ऊपर शुरू होगी, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मैं हर प्रोसीजर्स के ऊपर एक एक वीडियो शेयर करूंगा। प्लस अगर लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, अगर कोई भी आदमी मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तो मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9810799135, और दे कैन रीच मी एट sgscs.com और माई ब्लॉग drsanjeevgupta.net। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस, और यू कैन सर्च डॉक्टर संजीव गुप्ता सीएस ऑन गूगल, यू कैन फाइंड द डिटेल्स अबाउट। Thank you so much, sir, for giving us your valuable time and talking to us and sharing some very important information. I think जितने भी लोग इस समय कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई एम्प्लॉयर है या कोई एम्प्लॉई, आई थिंक उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरह से वो चीजों को सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आई विल टेल इट टू माय व्यूअर्स कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो जाके प्लीज संजीव सर का यूट्यूब लिंक जो है वो मैं वीडियो के साथ दे रही हूँ, आप लोग वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि उनके नंबर पे या फिर उनकी ईमेल एड्रेस पे आप उनको डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे कुछ और वीडियोस के साथ आपके सामने आए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू बाय।